नमस्कार दोस्तों, शाहरुख खान हेटर्स को इस वीडियो में एक बहुत ही बड़ा तमाचा मिलने वाले हैं। जो हेटर्स कहते हैं कि शाहरुख खान की करियर खत्म हो चुके, उनकी क्रेज खत्म हो चुके, उनकी स्टारडम खत्म हो चुके, तो उनके लिए ये वीडियो एक तमाचे के तहत है। शाहरुख खान आज भी बॉलीवुड की मोस्ट पॉपुलर मेल स्टार की लिस्ट में टॉप 5 में शुमार है, जबकि शाहरुख खान पिछले 3 साल से बिग स्क्रीन में नहीं दिखाई दिए हैं। 3 साल से तो दूर की बात, शाहरुख खान की पिछले 5-6 सालों में कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं की है। उसके बावजूद शाहरुख खान की पॉपुलरिटी स्टारडम गिरने की नाम ही नहीं है, और उसकी प्रूफ आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। ये है ऑर्मैक्स स्टार इंडिया, जो हर लगभग 1-2 महीने में मोस्ट पॉपुलर मेल स्टार की लिस्ट निकालते हैं, जिनमें आप शाहरुख खान को टॉप 3 में हमेशा देख पाएंगे, जबकि शाहरुख खान की पिछले 3 सालों से कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हुआ है, और उससे पहले 2-3 साल शाहरुख खान की फिल्में बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप हो चुके हैं। उसके बावजूद शाहरुख खान ऑर्मैक्स की इस लिस्ट में 3rd पायदान पे हैं। आप खुद देख सकते हैं, नंबर 1 पे है अक्षय कुमार, सलमान खान 2rd पायदान पे, और 3rd पायदान पे बॉलीवुड के बादशाह किंग खान अभी भी मौजूद है, और 4th पायदान पे ऋतिक रोशन, 5th पोजीशन पे रणवीर सिंह। तो आप लोग देख के हैरान हो सकते हैं, 3 साल से जिस बंदे की कोई भी फिल्में बॉक्स ऑफिस में नहीं आया, 5 साल से फिल्में अनाउंस नहीं हुआ, उस बंदे की नाम आज भी टॉप 3 में शुमार है, और इसी को कहते हैं स्टारडम, जो स्टारडम किंग खान मतलब शाहरुख खान के पास है। यही चीज अगर किसी और स्टार के साथ होता तो उसकी फैन बेस और उसके साथ साथ उनकी एक्सेस अब तक बंद हो जाते, लेकिन ये शाहरुख खान फैन बेस है, शाहरुख खान जितना ही मजबूत है। तो शाहरुख खान मोस्ट पॉपुलर मेल स्टार 2021 दिसंबर की लिस्ट में टॉप 3 में शुमार है, जो हेटर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा तमाचा के तहत है। तो आप लोग बताइए, बगैर कोई फिल्म की ही शाहरुख खान टॉप 3 में मौजूद है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।